बॉलीवुड गॉसिप हमारे स्पेशल शो में। बोल दोस्तों, आज के स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप में हम आपको बताने वाले हैं क्या चल रहा है बी टाउन में बॉलीवुड सितारों के बीच। फिर चाहे वो बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान हो, सलमान खान हो, दिया मिर्जा हो, या फिर उनकी रील माँ, सलमान खान की रील माँ हो, या फिर सलमान खान की सगी माँ सलमा ये हलन हो, सलमान खान की जिंदगी में क्या चल रहा है, इसी के साथ बॉलीवुड की बेबो किस तरह चर्चा में है, इसी के साथ हम आपको देंगे जानकारी बी टाउन में चर्चा में रहने वाले तमाम सुपरस्टार्स के किड स्टार्स को लेकर किस तरह से अल्फिया को लेकर चर्चा हो रही है, आरव कुमार जो कि अक्षय के लाडले हैं उन्हें लेकर खबरें आ रही है, तो वहीं हम आपको देंगे जानकारी बी टाउन के सितारों की जिंदगी कितनी ज्यादा रंगीन होती नजर आ रही है, क्या चल रहा है आप सभी की फेवरेट सुपरस्टार्स की लाइफ में, बॉलीवुड सितारों की लाइफ में। बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट्स की तरफ और जानते हैं बॉलीवुड में गॉसिप क्रिएट करने वाली लेटेस्ट कुछ खबरों के बारे में। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान हाल ही में नजर आए बीना काक के साथ। जिस तरह उन्होंने अपनी रील मां बीना के साथ जमकर ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शेयर की है, एक मदरली और सन वाली बॉन्डिंग को शेयर करते हुए बीना और सलमान एक दूसरे के साथ वाकई में इस बात को एक बार फिर साबित करते नजर आए हैं कि फिल्मी पर्दे की ये माँ बेटे की जोड़ी अब भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरे रिश्ते को कायम रखती है। गौर हो फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में समीर यानी कि सलमान खान की माँ बनी थी बीना काक, जिन्होंने कॉमेडी से लोगों का खूब दिल जीता था। इसके बाद उन्हें लंबे समय से साथ नहीं देखा गया है, लेकिन एक माँ की तरह ही जबरदस्त सम्मान देते हैं सलमान अपनी रील माँ को। जिस तरह वो अपनी सगी माँ सलमा और अपने स्टेप मॉम हेलन के साथ हमेशा ही पोज देते आए हैं, उन्होंने अपनी रील माँ को भी हमेशा रिस्पेक्ट देते हुए इसी तरह से प्यार दिया है। सलमान खान बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने अपने परिवार के साथ बिल्कुल इस तरह से रिएक्शन दिया है, ऐसा बिहेवियर रखा है, ऐसा वेल मैनर्ड बर्ताव किया है कि वह हमेशा लोगों के पसंदीदा सितारे रहे हैं। सलमान खान के साथ उनकी फिल्मी हसीनाओं ने जितनी बार भी काम किया सलमान खान को खूब सराहा, यही वजह है कि सलमान खान के खान परिवार की भी बेहद करीब है सलमान खान की को स्टार्स, जिसमें नाम दिया मिर्जा का भी शामिल है। जी हाँ, फिल्म संजू में संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त का किरदार निभा चुकी दिया मिर्जा हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर नजर आई थी काफी खुश, तो वहीं दिया मिर्जा को स्पॉट किया गया सलमान खान यानी कि अपने रियल हस्बैंड के साथ बिल्कुल अलग अंदाज में, तो वहीं अपने रियल हस्बैंड की माँ सलमा के साथ दिया मिर्जा नजर आई है काफी कुछ, देख सकते हैं आप तस्वीर में। बताना चाहेंगे हम आपको सलमान खान की ये को स्टार उनके साथ फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में नजर आई थी, दोनों की बॉन्डिंग काफी पसंद की गई थी। वहीं दिया मिर्जा बॉलीवुड की एक्ट्रेस होने के साथ मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। बताते चले आप सभी को दिया मिर्जा सलमान खान को लेकर हमेशा से उनका सम्मान करते हुए तारीफ करती आई है। खुद दिया ने एक बात बताया था कि उनकी माँ का ख्याल रखते हुए उनकी माँ की फिक्र में सलमान खान ने उनकी बड़ी मदद भी की है। पल देख रहे होंगे आप इस खूबसूरत सी हसीना को, अल्फिया जाफरी है जिनका नाम, जो अपने फ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट करने पहुंची। जी हाँ, जहां पर अल्फिया जाफरी काफी खुश नजर आई हैं। बता दे आपको ये वो है जिन्होंने हाल ही में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के बेटे आरव के साथ भी पोज दिया था। तस्वीरें हुई थी वायरल जिसमें अल्फिया नजर आई थी आरव के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए। ये कहा जाता है कि अल्फिया काफी ज्यादा करीब दोस्त है अक्षय कुमार के बेटे आरव की। आरव की अच्छी दोस्तों में से अल्फिया का नाम शुमार है क्योंकि अल्फिया के साथ उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है। अल्फिया और आरव को साथ देखकर हर कोई हो जाते हैं खुश क्योंकि आरव कुमार काफी क्यूट है। बॉलीवुड की अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के स्टार किड में आरव कुमार बॉलीवुड में कब डेब्यू करेंगे इसका सभी को इंतजार है।
तो उम्मीद है हमें कि अल्फिया और अरव कुमार की जोड़ी जल्द देखने को मिले फिल्मी पर्दे पर अगर इन्हें मिला मौका। जैसा कि आप देख रहे होंगे वो तस्वीर जिसमें करीना कपूर अपने नन्हे नवाब तैमूर अली खान पटौदी को लेकर बढ़ रही हैं आगे। लेकिन देखिए जरा गौर से तस्वीर में ये वही बॉलीवुड की बेबो है जो किसी समय अपने बेटे को अपने को में लेकर प्रेगनेंसी के दिनों में कॉन्फिडेंटली बी टू बी मॉम टू बी के तौर पर किस तरह घूमती थी। वो करीना आज कॉन्फिडेंटली अपने मदरहुड को एंजॉय करते हुए अपने नन्हे नवाब तैमूर अली खान पटौदी के साथ मीडिया के सामने पोज देती हैं। ये बात अलग है कि अब करीना से ज्यादा तैमूर को देखना लोग पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर तैमूर का तवज्जो तैमूर की स्टारडम में भाई वाकई में जो बढ़ोतरी है इसमें एक बात तो साफ है कि तैमूर ने अपनी क्यूटनेस से बॉलीवुड में रिकॉर्ड कायम किया। तैमूर की तरह क्यूटनेस के मामले में अब तक कोई भी स्टार किड उनसे आगे नहीं निकल पाया है। वाकई वजह यह है कि तैमूर अली खान इस छोटी सी उम्र से ही अपनी माँ यानी कि बॉलीवुड की बेबो का ख्याल रखना सीख चुके हैं। देखिए किस तरह अपनी माँ का हाथ थामे ऐसा लग रहा है वही अपनी माँ को गाड़ी से बाहर निकालते नजर आए हो। जिस तरह वो आगे बढ़कर माँ का हाथ थामे आगे की तरफ चल रहे हैं वो अपनी माँ का ख्याल रखना भी सीख रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं बीते दिनों सलमान खान अपनी रियल मामा फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में बीना खान जो उनकी रियल मामा बनी थी उनके साथ नजर आए थे। अगर आपने देखी होगी वो खास झलक सलमान भीड़ में भी अपनी माँ की केयर करते नजर आए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान जिस तरह अपनी माँ सलमा और अपने स्टेप मॉम हेलेन का ख्याल रखते हैं बिल्कुल उसी तरह वो बीना काक को भी सम्मान देना और प्यार देना नहीं भूलते। बताना चाहेंगे हम आपको सलमा और हेलेन तो उनके दिल की सबसे करीब लेकिन इसके बावजूद उनकी रियल माँ में बीना काक भी काफी ज्यादा करीब है। दरअसल सलमान खान जयपुर पहुंचे थे अपनी रियल मां बीना काक के साथ जहां वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए एक एक्ट का फैसला लेते नजर आए। उनके लिए बड़ा कदम उठाकर सलमान ने खुद को फिर दरिया दिली तो साबित कर दिया। इसी के साथ साथ सलमान खान जिस तरह से अगर बात की जाए दिया मिर्जा के साथ फिल्म में नजर आ चुके हैं। उनके हस्बैंड बनते बनते जो रह गए थे सलमान खान उन्हें लेकर हमेशा कहा जाता है कि अपनी रियल वाइफ दिया मिर्जा के साथ सलमान खान हमेशा अपनी दोस्ती बरकरार रखते हैं। तभी तो रियल पति सलमान की रियल वाइफ दिया मिर्जा का खान परिवार में हमेशा बड़ी ही खूबसूरती के साथ स्वागत होता है। तभी तो सलमान ने उन्हें गले लगा कर अपनाया है। पर ये दोस्त है या फिर दोस्ती का बेहद ही खूबसूरत रूप ये कहना वाकई में मुश्किल है। लेकिन दिया सलमान की दोस्ती यूं ही बनी रहे हम तो बस यही उम्मीद करते हैं। आइए बात की जाए बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान की तो इसमें कोई शक नहीं। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान वाकई में बेहद लाजवाब है। तैमूर अली खान पटौदी को लेकर हमेशा ही वो मदरहुड एंजॉय करती रही है। तभी तो तैमूर और करीना बॉलीवुड के क्यूटेस्ट सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तैमूर जो नन्हे सेलिब्रिटी बन चुकी हैं स्टारडम उनकी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप जिसके स्पेशल रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको अपडेट कराया बी टाउन की स्टार्स के लाइफ में क्या चल रहा है। इन सभी खबरों से दिया मिर्जा पहुंची सलमान खान के घर पर सलमा से मिलने तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान अपनी रियल मामा बीना काक के साथ नजर आए। जयपुर पहुंचे थे सलमान एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए एक एक्ट के लिए जो वाकई में उनका बेहद ही खूबसूरत कदम बताया जा रहा है। सलमान खान की दरिया दिली से कोई अनजान नहीं। सुपरस्टार सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें सबसे बड़ा दिलवाला कहा जाता है। और यही तो वजह है कि सलमान खान के चाहने वाले में बॉलीवुड का कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो शामिल नहीं। यही तो वजह है कि सलमान खान के फॉलोअर्स सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में है। यही वजह है कि सलमान सबके दिलों पर राज करते हैं। वेल अब वक्त आ गया है इसी के साथ इस प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप का यहीं द एंड करने का। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत लेकिन अगली बार लौटेंगे इस शो के अगले एपिसोड को लेकर बॉलीवुड में बज क्रिएट करने वाली गॉसिप्स के साथ हॉट एंड स्पाइसी खबरों के साथ चटपटी खबरों के साथ आप सभी के बीच लौटेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन
तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बी टाउन की हर खबर के साथ अपडेटेड रहें और देते रहें हमारे चैनल को प्यार। नमस्कार।